फ्रेंड्स, ये एक पहले का व्लॉग बना हुआ रखा था, इसमें सारा पे एक प्रैंक किया था और पापा का बर्थडे था, इसे देखिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यानी आ गया नमाज पढ़ के। अब यहाँ पे मैं बैठ के सोच रही हूँ कि मैं आज क्या पहनूँ। आज पापा का बर्थडे रंगीन भी होगा, ठीक है। फिर लंच टाइम हो गया, नीचे से आ गई है कोई हरी सब्जी, लौकी, रोटी। सनी, आपके लिए भी एक सब्जी आई है, तो आपको ये भी खानी है और साथ में ये भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल चाल? ठीक है, तुम ठीक हो? हाँ, नाज़ खाला भी आ गई है और सारा तो आती रहती है दिन में 10 चक्कर। तो इस रूम के लिए हमें लेना है बेड, तो हम जा रहे हैं बेड लेने, क्योंकि अभी हो सकता है कि मम्मी पापा को भी लेने जाना है, तो उनको भी लेके आना है, तो उसके लिए यहाँ पे बेड चाहिए होगा। यहाँ पे एक कवर लेना है और यहाँ पे एक फैन लगवाना है। चलता हूँ और फटाफट सब कुछ लेके आता हूँ। बंद करके दिखा दीजिए, छोटा फिर ऑर्डर पे बनवाना पड़ेगा। ये देखो, फोल्ड भी हो जाएगा। पहले हम लोग सोच रहे थे जो सोफ़ा कम बेड आता है ना वो ले लें, ताकि दिन में जो स्पेस है वो यूटिलाइज हो जाए, लेकिन जो उसका मेजरमेंट है वो हमारे रूम के हिसाब से काफ़ी बड़ा हो रहा था और सब ने सजेस्ट किया कि ये कंफर्टेबल भी नहीं होते रात में सोने के हिसाब से। और जो कबर्ड्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े थे, हमें थोड़ा सा छोटा चाहिए था क्योंकि रूम में स्पेस बिल्कुल भी नहीं है और कलर भी वैसा नहीं मिल रहा था, तो फिर अभी के लिए ये भी कैंसिल। तो हम लोग यहाँ पे आए तो लेकिन चीज़ें हम लोग ने देखी लेकिन अभी पसंद नहीं आई, एक बार घर चलते हैं, उन्होंने बोला है कि हम एक हफ्ते में बना के दे देंगे। तो हम यहाँ पे आ गए हैं, अब देखते हैं यहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा। जो हमें चाहिए था वो यहाँ भी हमें नहीं मिला, तो हम जा रहे हैं थकार के घर। कोई बात नहीं, नहीं मिला ये तो मिल गया। अरे वाह भाई गुल्लू, इतने प्यारे लग रहे हो तुम। चलो तुम लोग लेके आए। सामान मेरा नहीं, तुम्हारी ऐसी चॉइस है। तुम्हारी जो जिद होती है, मतलब जिद तुम्हारी फेल है। लास्ट में हुआ ये कि हमको उसको बुलाना ही पड़ेगा यहाँ पे। हाँ। जो तुम चाहती हो बुलाने के बाद वो हो पाएगा वरना नहीं हो पाएगा। तो मैंने उसको फोन कर दिया, वो 8:30 तक आएंगे और आखिर नाप लेके जाएंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह एक हफ्ते में बना के रेडी करके दे देंगे। मतलब एक हफ्ते बना रहे हो ना, एक एक महीने लोग बनाते हैं। चलेगा चलेगा? अरे कहीं नहीं, मतलब बोलो चलेगा, तैयार बैठी जाए। अरे दिन में मुझसे क्या करी आज करी, तुम धीमे से छिपा के लिए चलो, गाड़ी में लिटा देना। हाँ। और मुझे घुमा के लिए चक्कर कहीं से। कब से मैं बाहर नहीं निकली, मेरा घूमने का मन करता है। तुम्हारी बार तो घूमना है ना परसों। लेकिन वो तो परसों बाहर डर डर के जाना, उसकी कोई कोई डरने की बात नहीं, क्यों डरना है उसमें। नहीं लेकिन इसको दबाना नहीं इसको। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी सनी और बच्चे लोग बाहर गए क्योंकि आज पापा का बर्थडे ब्रेक है, जैसे आपको पता है, तो उनके लिए कुछ लेने गए हैं। तो मैंने सोचा मैं ही कुछ व्लॉग बना लेती हूँ और आपसे बातें कर लेती हूँ। अभी जस्ट लेटी हुई थी बाहर, अभी वो जो डेकोरेशन वाले भैया है वो आ चुके हैं और मेहर भी अभी बाहर ही है। थैंक यू। चाओ 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 बोला चाओ चाओ, क्यों पता भी है क्या है चाओ चाओ? डॉग की ब्रीड का नाम। इतना बड़ा फूला वाला चाओ चाओ क्या लेके आए? ये मैं अपने लिए लाया हूं, बहुत अच्छी है। ये लाया हूं बच्चों की तरफ से। ये बच्चों की तरफ से है ये। हाँ। ये मेरी तरफ से है, ये बच्चों की तरफ से है। ये फ्री मिल गई, 1500 रुपए की शॉपिंग करना था। हाँ। कुछ भी। हाँ। तो मतलब फ्री मिलेगा, जितना अपना बिल हुआ 1500 का और ऐड करना था। किसके लिए? तीन रेहान लिया मैंने, तू ले ले भाई। इन लोगों को तो ला देते, इन लोगों को बोलती नहीं वहाँ पे। हम लोग को अकेले समझ नहीं आता ना कि आप लेके आ जाओ, आप जाओगे फिर ले। कोई आया है पता नहीं, कौन आया है? कौन है? मैं। सारा पे प्रैंक करते हैं कि तुम्हारा रिजल्ट आ गया है। डर जाएगी वो, क्या पता नहीं। ठीक है ठीक है, चलो चलो। ओके 1 2 3 हाँ अभी करते हैं। हाँ मैं हंसूंगा नहीं, मैं तुमने इसीलिए। थैंक यू सारा। और तुमने मुझसे एक चीज छुपाई क्यों? क्या अभी तक नहीं बताया? सुबह से हो गया, क्या छुपाया? हर जगह से खबर आ रही, हमें लगा नहीं सारा ऐसा नहीं करेगी कि रिजल्ट आ गया। क्या नहीं आया? तुम्हारे पापा का भी कॉल आया है, ये हमने इसलिए भी उठाया था पापा का फोन। अरे शालू भी तुमने छुपाया। चलो चलो रोल नंबर, रोल नंबर आता नहीं आया सारा, तुमने भी हार्ट अटैक आ जाएगा। अटैक क्यों पड़ना है? अरे शालू भी नहीं आ सकता, क्यों नहीं? नहीं मेरे फ्रेंड तो बोल रहे थे रिजल्ट आने वाला है। यूपी बोर्ड का आया था, सनी भाई को पता था, उन्होंने चेक किया, सबका आ चुका है। एमपी बोर्ड का भी आ गया ऑनलाइन। रोल नंबर तो बता, हमें नहीं पता, भूल गए। अब लेके तो आई होगी, मैं चेक करूं एमपी बोर्ड का, लेकिन उसका रोल नंबर तो पता। रोल नंबर जब मालूम होगा तभी आएगा। रोल नंबर लेके आ गया, तुम लेके तो आओ। अरे तो पापा का फोन इसलिए थोड़े आया होगा, पापा का फोन इसलिए ही आया होगा।
तो मुझे लेके तो और डालने में क्या जाता है, पता चल जाएगा आज एक और सेलिब्रेशन आ गया। देखो ये आ गया, देखो बोर्ड ऑफ मध्य प्रदेश ये ना अच्छा तुम एक बार रोल नंबर तो ला दो, रोल नंबर तो पास तो होना ही होना है, तुम्हें टेंशन क्या, पास तो होना ही होना है। मेरे को तो बता दो रिजल्ट नहीं आया अभी, फोन में लाई थी ना तो जल्दी दो इसमें है नहीं, मतलब हमारे रोल नंबर हम चेक करके पहले ठीक है अच्छा तुम बताओ व्लॉग में पहले दिखाना है या नहीं, दिखा दो उसमें क्या है, तो बता डर क्यों रही हो, डर तो लग रहा है, अब बुरा है फोटो 54 तुमने सर ओवर एक्टर की वजह से ना जंप हो जाओ आ क्या है रोल नंबर वही तो बताएगी, लेकिन अच्छी लग रही है तुम, मजाक से हटकी ईमानदारी की बात बोल रहे, प्यार का नाम है चाऊ चाऊ, प्यार का नाम नहीं डॉग का, नेपाल में, नेपाल में जो लोग जैसे हम लोग यहाँ मैगी बनाते हैं ना तो वहाँ एक फेमस है चाऊ चाऊ मैगी, हाँ उन लोग चाऊ चाऊ ही खाते है, सारा जैसे उस बार तुम्हारे एग्जाम हैक हुए थे ना, जो रिजल्ट भी हैक हुआ है और तुमसे तो मुझे नर्वसनेस हो रही है, मुझे इस वक्त बीपी नहीं बढ़ा रहा भैया, रोल नंबर बता दो, रोल नंबर जल्दी दो, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, तुम्हारा मुंह क्यों उतर गया है, तुमने पढ़ा है ना तो बस फिर तुम क्यों टेंशन ले रही हो, उसी रिजल्ट भी पहले डाल दिए, चलो जल्दी दे दो रोल नंबर, अरे 90 प्लस आया होगा, टेंशन नहीं आया, कितना आया होगा तुम्हारे अंदाज में, कितना आया होगा, अबे कांप रही अरे सबको कब कभी होगी, एकदम से उसे मत बताना जो भी हो पहले, क्योंकि फिर फालतू में आज के दिन हम नहीं चाहते, शालू भी आप प्रैंक तो नहीं कर रही था, रिजल्ट आया जैसा, हमें क्या, हमें तो कॉमर्स लेना है, ये नामांकन ये मुझे पता, मैंने देखा था, मैं बताऊँ, हाँ बता, मतलब मैं टाइप कर दूँ, जिस दिन मेरा रिजल्ट आएगा मैं तो रिजल्ट ही छोड़ दूँगा, अच्छा ना हमें करने ला 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 बता दो हमें, हमें क्या मतलब, कुछ हमें थोड़ी तभी इंजीनियरिंग या डॉक्टर बनना है, बता दो रिजल्ट ही नहीं आया, अरे ये नहीं बोला था बताने को, ये बोला था कि जो अपन ने परसेंट सोचे थे वो बता दो, बोला गलत किया, अच्छा वो परसेंट नहीं बताया, और रिहान और हम लोग बताओ एक सेकंड, रिहान क्या कहना चाहता है, रिजल्ट आया है, परसेंट आया, कुछ नहीं आया, नहीं वो पता क्या कह रहा है, जब मैं नंबर डाला अल्लाह पाक फेल हो जाए, मैं तुमको क्या लग रहा था आया कि नहीं, लग रहा था कि हाँ, नहीं आया बताओ, तुम जब किचन में गई तो हमसे कहती आया कि नहीं आया, सच्ची सच्ची बोलो आया नहीं, कहाँ पर ये है, नहीं तो डर लगता है सबको, जब हमारा जो लगा हमें लगता है अल्लाह पाक बस 20 मिनट के पास हो जाए, मतलब फेल ना हो बस, हाँ विद ग्रेस के लिए पास हो जाए बस, तुम लेकिन हम लोगों ने अच्छा किया, रिहान को भी लग रहा था कि हाँ, अगर इसको पता होता कि नहीं, इसको अगर पता होता कि नहीं आया तो ये अभी तक बात लीक कर चुका होता, रिहान कहा नहीं नहीं अब मैं भरोसे में कैसा लग रहा सारा, अरे शालू भी धक धक मुझे धक धक हो रहा था यार कोई बात नहीं आया, जब इसका रिजल्ट आएगा क्या होगा, नहीं मैं तो मैं भाग जाऊंगा बोल के देख के रिपोर्ट कार्ड लाके, ऐसे ब्रेक नहीं करना चाहिए, ये बोला है 11th में एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ, इतना नाटक कर दिया कि सच में मुझे भी धक धक होने लगा कि सही में आ रहा है, क्योंकि याद आ गया अपने 10th और 12th का टाइम पे, तो सारा कैसा लगा, बहुत ही बुरा लगा, सबका टाइम आने वाला है, शुरू बीच में लगा नाटक, शुरू शुरू में लग रहा था कि नाटक है, फिर जब ज्यादा ही रोल नंबर मांग लोग, जब सनी भाई ने खोल के दिखा दिया कि लोग वो क्या खोला था 2021 का, मैंने खोल दिया था, अच्छा दो तुम लोग नहीं ले जाए वापस, रोने वाली रोने लेकिन अब चलो अच्छा हमने इसको पहले डरा दिया, अब जब इसका असली रिजल्ट आएगा ना, इसका रोल नंबर लेके रख ले, मैं देख के बता दूंगी, बता देंगे तुम्हें, हम अब जब आएगा चलो सरप्राइज देंगे, और तुमने वैसे तुम्हारा रिजल्ट कब तक आया, कुछ आइडिया है, नहीं पता, 10 को 10th ऑफ मई को पक्का नहीं, चलो जो भी आएगा, आज ये मेरी मनपसंद की चटनी प्याज वाली है,
मेरे लिए भाई लौकी लौकू कोई बात नहीं, आएगा अच्छा रिजल्ट आएगा। इतना कभी भी रिजल्ट में डरते ही नहीं है, रिजल्ट जो भी आया रिजल्ट के दिन भी नहीं डरना है, चेक करने में भी नहीं डरना है। अब जी पूरा डर गए, अब नहीं डरना ठीक है भाई। पास तो होना चाहे वो 60 तो चाहे वो 70 हो, बस चाहे आपका 70 बनाया था ना बोर्ड में सारा सीन क्या 71 बहुत होता है तो आपने बोला अब थोड़ी ना चाहिए कोई अच्छा बनाया मेरे 70 तेरा कितना आएगा रेहन कितना आएगा टेंथ बोर्ड का पेपर सारा का रिजल्ट आ गया अभी चेक नहीं किया वो डर रही हो देखो उसकी उसकी धड़कन ऐसी हो रही है तो भी हम लोगों ने चेक नहीं किया रिजल्ट आ गया तुम्हारा कौन सी डेट है फिफ्थ अच्छा हम लोग का अभी थोड़ी देर से फिर अभी नहीं उसका मूड खराब है रोने जैसी हो रही है ऊपर ही आएगा इतना पड़ा तो क्यों टेंशन होना नहीं तो इतना पड़ा हम लोग को बोलती है 50 के ऊपर लाओ पागल क्या कट 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 एक सेकंड मैंने ऐसा मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि तुम लोग 50 था मैंने ये कहा कि तुम मेहनत करो तुम कितना भी लाओ अल्लाह की मर्जी मतलब पास हो जाओ यानी डरो नहीं समझ बाकी खूब मेहनत करो खूब सब कुछ 100% देना आराम से शादी रो देगी मुझे लग रहा है नहीं रो रहे तो अभी हम इतना तो इसको पता है कि इसको 70 के ऊपर ही आना तो फिर क्यों टेंशन उसको 80 के भी ऊपर आएंगे इंशाल्लाह 90 के ऊपर आएंगे 90 की लेवल देखे फिर थोड़ी देर से खाना इसको कितनी एक्साइटमेंट है एक्साइटमेंट बोल गई शालोपी हमें कहती है बस 50 लेके आओ 50 लाने थोड़ी उसके ऊपर ही लाना है और नहीं तो क्या हम कह रहे आप अपनी पूरी 100% दो फिर 50 भी बुरे नहीं होते 80 भी बुरे नहीं होते और फिर 100 भी बुरा नहीं होता हाँ राइट वो फिर भी बुरा नहीं होता अन लोगों से पूछी थी कभी सब कितना 15 में या 10th बोल रहे हैं मैंने यूपी बोर्ड का कब का आ चुका और तुम्हारा ICSE कल आना है शायद 7 से 14 के बीच में है मैं है सारा को थोड़ी हिम्मत दे दो इतना क्या टेंशन रिजल्ट ही तो कहाँ ले रहे हैं हम टेंशन दिख रहा है तुम्हारे चेहरे में बस आज वैसे कुछ नहीं थी वैसे कुछ नहीं दिखता सुना है देखो 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 क्या नहीं रिजल्ट क्या मेरे इधर प्रैंक चल रहा है क्या बोल दिया बहुत खराब हो कि सच बोलो आपने 10 तक बोल दिया बेबी आप क्या किया तुमने मेरे इतना सर बहुत खराब हो प्रैंक कर रहे थे वही तो मैं सोचू कि हम लोग का जब 7 से 14 है तो लो अब देखो सही कहते टेंशन कैसे दिख रही थी आंसू दिख रहे थे चेहरे पे देखो ना लेकिन बेबी आपसे नहीं हो सकता फ्रेंड्स अभी पता है क्या कि हम लोग रिजर्व को अभी प्रैंक मतलब कंटिन्यू कर ही रहे थे और जैसे फोन पे चेक करके बोला 10 तक आ जाएगा उसने सुन लिया इसलिए सोचा मैंने बता ही दे बात वो कर रहा था मैंने कहा तुम करो दो करना कैसा लगा रिजर्व मुझे लगा अच्छा ही आएगा चलिए आपको बाहर दिखाते कौन कौन सच के आ गया यहाँ पे रेडी होके कौन कौन आया अभी नंबर 1 सब आ गए ये हलवा हेलो कौन अगला है बर्थडे गर्ल बर्थडे बॉय है ना वो कह रही है बर्थडे गर्ल बैठे हैं बॉय बॉय गर्ल मान लड़की होती है चलिए तो आज आपका बर्थडे है मेरा क्या कर रहे हैं नहीं अच्छा देखो बाल कितने अच्छे करके आए हाँ बाल कटवा के आए हैं नहीं बाल बहुत पहले के चाकू का फिर सबने साथ में बैठ के खाना खाया और टीवी पे भाई का शो आ रहा था अजूनी वो भी देखा कुछ याद है छह तारीख कुछ नहीं याद ना तुम्हें हर महीने मुझे याद रहेगा
नहीं जैसे आपने बोला कुछ याद आता फिर मैंने ऐसा लगा दिया कि अच्छा दादी कोई कुछ गिफ्ट था क्या? नहीं कोई गिफ्ट नहीं था मतलब हो गया छठवां महीना हो गया गिफ्ट थैंक यू लेकिन मुझे याद है ना हाँ यही बहुत बड़ी बात है थैंक यू ब्यूटीफुल सिक्स मंथ्स के लिए चले चले टाइम हो गया बहुत ज्यादा